भाई आया हूं आपको जस्टिस दिलाना है। जो भी अक्यूज है, चाहे कौन सी भी पॉलिटिकल जमात के रहें दो, उन्हों एफआईआर में आना, अरेस्ट होना, एंटीसिपेटरी बेल नहीं आना, ये केस के अंदर बेल नहीं मिलना, और जितने भी अक्यूज है पूरों को पकड़ के, पूरों को पकड़ के पुलिस कस्टडी में लेके जाना, क्योंकि ये क्लियर कट केस है ऑफर मर्डर, ये क्लियर कट केस है कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर पीछे है, और बीआरएस है कि एमआईएम है कि मेरे को नहीं मालूम, मगर कोई ना कोई एक बड़ा आदमी ये मर्डर के पीछे है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो कॉन्स्पिरेसी बाहर आना, और जितना भी बड़ा बालखान हो उन्हें A1 बनना ये केस में, ये जो भी मारे लौंडे पोटे मारे ऑफर लेके मारे, ये क्लियर कट है। पर ये कैसा रुजू होगा, जब आप पुलिस पूरे अक्यूज को पकड़ेंगी, इंट्रोगेशन करेंगी, थर्ड डिग्री करेंगी, पुलिस रिमांड में लेंगी। तो आप ये समझ रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर सफारी मर्डर ट्रेन शुरू हो चुका है, ये सफारी देके मारा गया है क्या, सफारी जगह जो लेके जाते हैं, देखिए बॉम्बे कल्चर या हैदराबाद में आ रहा है क्या? देखिए सुनिए, आप KCR साहब बोलते हैं बंगलुरु तेलंगाना, हमारी तेलंगाना पुलिस बेहतरीन काम कर रही, मगर थोड़े चंद लोगों को बाहर रख रही बोल के ये हंगामा हो रहा, और ये जो शहीद की कुर्बानी है ये खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि शहीद एक बेहतरीन कारकुन, सच का पर्दा उठा रहा था, पूरे यहाँ के एरिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लंगे हैं जो आज करोड़पतियां बन गए, उनकी हकीकत बाहर ला रहा था, तो शहीद के दुश्मन बन गए, और आज जो मर्डर करे एक कायराना मर्डर, एक डरपुक तरीके से फोन करके बुला के बच्चों से उसका मर्डर करवाए। मगर शहीद की मैं तारीफ करता हूँ, शेर था बच्चा, अकेले निकला, अल्लाह की मर्जी, पैदा हो सो दिन जाने का है, मगर शेर के वैसा था, शेर के वैसा मरा, मगर मैं फिरोज खान बराबर उसको जब तक इंसाफ दिलाऊंगा मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं अब भी गुजारिश रखा कि साहब जज्बात पे मत आओ, केस पे कंसंट्रेट करो, जो अक्यूज है उसको पकड़ो, मास्टर माइंड को पकड़ो, उसको कंप्लेंट दे रहे थे ना साहब, पुलिस वाले जब एक्शन नहीं लिए ना, रिकॉर्डिंगों के साथ नहीं रखना चाहिए, तो आप ये क्या तफ्तीश के मामले में क्या दाखिल करा रहे हैं? देखिए ठीक से भाई साहब, आप जो बात बोले सर, ये इंक्वायरी CBI के हाथ में दीजिए, यहाँ पुलिस वाले पूरे मिलके काम करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिशियन के साथ पहले भी पूरे रिकॉर्डिंग मिला के डाले हुए हैं, वहाँ पर देखिए ये भेज साथ डाले हुए पूरे रिकॉर्डिंग, जब भी एक्शन नहीं ली पुलिस। आप आपका नाम बोलिए, मोहम्मद सुबान है मेरा नाम। सुबान, आपका जो आइडिया है बहुत बेहतरीन आइडिया है, मगर एक टाइम पुलिस चीफ को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने दो, अपन हाईकोर्ट अप्रोच हो सकते, हाईकोर्ट के अंदर ये पूरा मामला बोल सकते, पुलिस को पहले इन्फॉर्म करे थे, पुलिस को एक्शन नहीं ली, उसके बदौलत पे ये हंगामा हुआ, और उसके बाद में आज एक पॉलिटिकल मर्डर है, ये इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कोई बड़ा हाथ है, वो जितने भी अक्यूज है जो मारने वाले हैं उनकी हैसियत नहीं है मारने की, इनको पीछे से कोई सपोर्ट है, और हम हैदराबाद पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसके लिए ये केस CBI को जाना या CBCID को जाना या अदर डिपार्टमेंट को जाना, ये मांग अपने कोर्ट के सामने रख सकते हैं। और एक चीज बता रहा हूँ मैं साहब आपको, सुबह मैं 22 से थे भाई बन के आया, और मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, आज हमारी पार्टी ख्यादत पे नहीं है, आप एक दिमाग में रखिए, ना सेंटर में हम ना स्टेट में है, एक भाई बन के आपका खांदे से खांदा मिला के मैं आपकी लड़ाई आपकी जंग में लड़ सकता हूँ साहब, अगर से मेरे पास पावर होता और गवर्नमेंट मेरी हुकूमत में रहती तो खुदा की कसम मैं आज आप होम मिनिस्टर की मांग कर रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री को बुला लेता था इधर, और जो भी है इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर मैं उनको केस बुक करवा दिया, उसके बाद मैं अंडर ट्रायल करवा देता था, और 6 महीने के अंदर जजमेंट भी दिला देता था, पर आज हमारी पार्टी पावर में नहीं है, फिरोज खान पावर में नहीं है, मगर आपका भाई बन के आया, मेरे से जो कुछ भी होता मैं कर सकता हूँ साहब, आज मौता हुई मैं उसके, एक सेकंड साहब, मौता हुई उसके ऊपर मैं सियासत नहीं करना चाहता, सिर्फ एक चीज है, हमारे बच्चे को जो भी मारा कितना भी बड़ा हो उसको सजा मिलना, एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है, उनको सजा मिलना साहब। और कुछ पूछना है सर?
चाहे कुछ भी हो जाओ, दुनिया की दखल कुछ भी करो, राइट, ये पॉलिसी में से मेरा बच्चा मेरा बेटा चलेगा। ओके ओके, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, थैंक यू। बहुत बोले भैया हमारे, ये सब दीवारें बात रहे, ये भाई एक चीज आपको बता रहा हूँ, मैं महमूद अली को बुलाना, कमिश्नर को बुलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम आपको हक दिलाना, जस्टिस दिलाना। जितने भी जने हैं, सिंग लगाने वाले रहें तो दुम लगाने वाले रहें, मैं आपका साथ दूंगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ, बस दोनों में कोई एक आपका हक है, आप मांग रखिए बिल्कुल, मगर मेरे तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ आपको वेरी क्लियर बोलो, क्योंकि सियासत करना नहीं आता, सच बोलना आता। सईद के वैसा ही है फिरोज खान, पूरा फिनिश कर देता सबको, डेरिंग ऐसी छू, मैं भी सिंगल चले आता हूँ, ऐसी मैं सिंगल गया, एक टाइम को 5 गोलियां मारे, मुंह पे गोली है, दिल के अंदर गोली है, लंगर अपचर है, एक टाइम स्टैबिंग करे, 100 स्टिचा है, जब गोलियां मारे डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, अपोलो बोले मर जाते, जब स्टैबिंग हुआ केयर बोले मर जाते, दुआ थी है बस इतना, तो उसके लिए सईद का जो जज्बा है वो मेरे वैसा है, तो बराबर सईद को जैसा देख रहा हूँ उसमें मैं नजर आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे तरफ से जो भी होना आप आधी रात को फोन करो, मैं आपके साथ हूँ, लीगल तरीके से कोर्ट में। देखो भाई सबसे बड़े लड़ाई क्या है मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़े लड़ाई इंस्पेक्टर है, ACP है ना, पूरे अरेस्ट कर देते, उसके बाद में ना रिमांड चले जाते, इसके बाद में ना बेल के बाद पे आ जाते बाहर, उसके बाद में सबसे बड़ी चीज क्या है आपको और हमारे को, ये केस को फास्ट ट्रैक पे डलाना, नंबर 1 पॉइंट, पूरों के राउडी शीटर खुलना, नंबर 2 पॉइंट, उसके बाद में इनके पर पुराने केस आ है तो PD खुलना, नंबर 3 पॉइंट, और जब ट्रायल चलते रहता आप और हम जो भी विटनेस है उनको हौसला देके, हिम्मत देके, खांदे से खांदा देके कोर्ट में ठहरना इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं तमाम मेरी जिंदगी में देखा सो हूं। आज जो जज्बा है इंशाल्लाह जो भी इसके अक्यूज है, गुनहगार है, उनको सजा दिलाए जब तक, इंशाल्लाह सेम जज्बा रहेगा बोल के उम्मीद भी कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से एक भाई की तरह गुजारिश करता हूँ, भाई जज्बात पे मत आओ, जो होना सो हो गया, अल्लाह की मर्जी है, मगर जो भी इसको हाथ लगाए उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे और 100% उनको सजा दिलाएंगे, तो सजा दिलाने के तरकीबों के ऊपर मेहरबानी करके आप लोग दिमाग लड़ाइए, अपनी एनर्जी लड़ाइए। मैं एक जने अभी कस्टडी में है, पूरों को हम ला लेते, और जिस तरीके से आप बोल रहे थे पुलिस रिमांड 14 दिन का मिलता, मगर मजिस्ट्रेट 10 से 11 दिन देता, पूरों को लेके आते पुलिस रिमांड में रखते, जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिस तरीके से कौन इसके पीछे है उसके तल तक जाएंगे हम, टोटल कॉपरेट करते, और एक भी बंदे को चाहे कितना भी पॉलिटिकल पावर रहें दो हम उसको ब्रेक करना है, कमिश्नर साहब भी सेम बात बोले, DCP साहब भी सेम बात बोले, तो हम उसको ब्रेक करते, आप लोग मेहरबानी करके हमारे से कॉपरेट करो। यहाँ बोला भाई कमिश्नर को एक इस बात है, कमिश्नर साहब यहाँ आना नहीं, तो जब तक लाश नहीं आना, कई को पूछो तो मरने से पहले 2 बार बोला, कार से बोला साहब मेरे को मार देते जिला, कार से बोला 2 बार आवाज नहीं सुने उसकी, अब मर गया सो आवाज तो सुन लो, बोलो एक बार आ गया हम सुनाने लगा दिया। शाकिर मनोज कुमार,
रायगढ़ जिला कांग्रेस पार्टी प्रदेश।